लॉक करूँ, अभी तो शायद खुली हुई होगी। ले आ भाई, सिस्टम है। ले आ भाई, तुम्हारा भाई ने करवा लिया काम। और इसके गेट लॉक तो ऐसे हो रहे हैं अपने आप, जैसे लग रहा है कोई भूत कर रहा है। अब देखना गेट अपने आप लॉक हो जाएंगे। ले जा भाई। हाँ भाई, ऐसी बात कर रहा है। बोलू भाई, इसमें फीचर इतने भरे पड़े हैं ना, पूछो मत। इतने सारे फीचर हैं, अभी तो मुझे बहुत फीचरों के बारे में पता भी नहीं है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो भाई सारे? और भाई आज हम फाइनली अपना करवाने वाले हैं सेंट्रिक लॉकिंग किट अपनी इंस्टॉल गाड़ी में, ठीक है। आज कौन सा दिन है? आज हो गया अपना संडे, तो ये व्लॉग आया कल। हाँ तो मंडे को देख रहे हो ना तुम, तो आज कितनी तारीख हो गई? आज तारीख हो गई भाई कितनी, 19। वर्ल्ड कप है भाई आज, भाई आज वर्ल्ड कप है। और एक और चीज, कल पता है मेरे साथ क्या हुआ? कल तुम भाई यकीन नहीं करोगे, तो मैं पहले अभी सारी क्लिप दिखाने वाला हूँ कल की। मैं भाई कश्मीरी गेट गया दोबारा, रात को जाना पड़ा मुझे। और हुआ ये, जो हम किट लाए थे ना सेंट्रल लॉकिंग किट की, तो वो मतलब वो इन गाड़ियों में काम नहीं करती, मतलब वैगनर में लगेगी नहीं वो चाबी। किट तो लग जाती पूरी, वो चाबी नहीं लगती वो, है ना, तो वो चाबी काम नहीं करती। तो मैं भाई बदल के लाया हूँ किट, और चाबी वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि मतलब जैसे वो i20 में काम करेगी, ब्रेजा में काम करेगी, तो इन सब सेगमेंट में गाड़ी में काम करेगी। जैसे थोड़ी वैगनार से थोड़ी लेवल ऊपर हो गई है ना, तो वैगनार में जो भाई वैगनार के लिए ले रहा ना, वैगनार मान लो सैलरी ले लो, ऑल्टो ले रहा है, ऑल्टो मतलब इन सब के लिए मत ही लेना। तो मैं अब जो तुम्हें बता रहा हूँ, पहले तुम ये क्लिप देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी सेंटर लॉकिंग किट तुम लेके आओगे, ठीक है। पहले तुम क्लिप देखो कल क्या क्या हुआ मेरे साथ। भाई तामझाम उल्टा बैठ गया बहुत ज्यादा। अभी मैं चाबी वाले के पास गया था, वो कह रहा है कि ये वाला लगेगा नहीं, ये जो रिमोट है ना इसका ब्लेड, मतलब जो चाबी होती है जो लगती है ना यहाँ पर, तो इसका ब्लेड ना, ब्लेड कहते हैं उसे, तो ब्लेड वो बहुत मोटा है, वो है i20 ब्रेजा के टाइप का, तो वो मैं ले आया हूँ। वो कह रहा है कि ये वाला लगेगा नहीं, दोबारा वहीं जाओ रिमोट दूसरा लेके आओ, जहाँ से हमने सेंटर लॉकिंग की ली है। तो वो कह रहे हैं कि भाई रिमोट दूसरा ले जाओ, किट तो वही लग जाएगी, किट में कोई टेंशन नहीं है, किट वही लग जाएगी, रिमोट दूसरा ले जाओ। अब मैं ना कश्मीरी गेट दोबारा निकला हूँ, देख लो पता नहीं कितने बजे, 6 बजने वाले अभी। भाई उल्टा ताम जाम बैठ रहा, पता नहीं क्या, ये लग नहीं सकती अपनी गाड़ी में। या तो इसे पूरी किट वापस करके आएंगे, या फिर अगर रिमोट दूसरा लेके आ जाएंगे सिर्फ, ठीक है किट ये रहने देंगे, बाकी अभी देखो रास्ते हूँ। तो भाई भैया के पास आ गए थे और अपनी वापस लाए हैं। तो भैया ये जो किट है जो अपनी, ये सिर्फ i20 और ब्रेजा में लगती है ना? आप बता रहे हो भैया, कस्टमर सिखाता है बंदे को। हाँ, दुकानदार कस्टमर से ही सीखता। कोई बात नहीं, जो ये जो मैंने तो मैं अभी फ्लिप के दिखाई थी, वो सिर्फ ब्रेजा और i20 में लगेगी? नहीं, सिर्फ ब्रेजा और i20 में नहीं, मतलब इन सेगमेंट मतलब की गाड़ियों में नहीं लगेगी, बस ये वाली। अच्छा, कुछ गाड़ियों में नहीं लगेगी। हाँ, तो ये वाली, और बाकी मैंने वन डोर ले ली है ये वाली चाबी, ये लग जाएगी वैगनार में, है ना भैया? छोटी गाड़ियों में मतलब ये वाली सुटेबल है। तो भाई इसे लेके चलते हैं। और हाँ, तुम्हारे भाई ने नई जो किट ली है ना, तो उसकी चाबी का सेंसर भी डलवा लिया है, सेंसर डलवा लिया और नई चाबी बनवा लिया है, ठीक है। अभी तुम ये वाली देखो चाबी वाली क्लिप, फिर इसके बाद चलते हैं हम फटाफट से सीधा इंस्टॉल करवाने अपनी गाड़ी की। रानी नीचे खड़ी है, ठीक है। हम जाएंगे दिलशाद गार्डन, वहां पर जानने वाले हैं, ठीक है, उनसे करवाएंगे। लो जी भाई, पहुंच गए थे और नई चाबी ले आए हैं अपनी, ये देखो, ठीक है, इस डब्बे से मिली है, अपना कश्मीरी गेट से लाए हैं। और भाई कर रहे हैं ये सेंसर लग रहा है अभी? अच्छा, यही सेंसर वाली मशीन होती है? अरे मैं YouTube बना रहा हूँ, तुम क्यों दिक्कत ले रहे हो? क्या हो गया जी? बहुत पढ़ लिए मैं भाई। भैया वीडियो में आने में थोड़ी दिक्कत ले रहा है, कोई नहीं, तुम्हारा चेहरा नहीं ले रहा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गई अपनी गाड़ी की चाबी, और ये है अपना नया ब्लेड जो भैया ने निकाल के दिया। तो इस सेंसर की मशीन होती है, तो यही शेप बना देगा और सेंसर डालेंगे। सेंसर ये होता है, मुझे पता है, ये तो काटने वाली मशीन है। हाँ, ये तो बन रही है, सेंसर वाली वो है ना भाई? चाबी चेक कर रहे हो भाई, ऐसे बनती है चाबी, देख रहे हो? एक तो अपनी ये गाड़ी की पहले वाली है ना, और जो दूसरी जो नई बना रहे हैं ना, वो ब्लेड लगा के यहाँ पर फिर बनती है। ये देखो, ये लगाया अपना सेंसर, ये लगा ना, ये होता है सेंसर। अब भैया ना फोन वोन से पता नहीं क्या करा है, और इससे निकाला चाबी से, अब इसमें दोबारा डाल दिया। ये देखो भाई, भाई भैया कह रहे हैं कि इससे स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट हो रही है नहीं। पहले तो गाड़ी को खोल के देखते हैं, खुल रही है नहीं। ये खुल तो रही है भाई, खुल गई भाई। अब करते हैं इसे टेस्ट, ठीक है। ये लगाई, ले भाई, भाई ऑन हो गई, फाइनली ऑन हो तो रही है, स्टार्ट करके देखें। ये
ले आ भाई। तुम्हारा भाई ने करवा लिया काम। दोबारा बंद करके देखूं? दोबारा बंद करते हैं। ये चाबी निकाली, ठीक है, और अब चाबी दोबारा लगाई। ये भाई हो रही है चालू। हो गया अपना सेंसर का काम तो हो गया फाइनली, और क्या कहते हैं, अब बस इंस्टॉल करवाना रहेगा बस, और अनलॉक अनलॉक रहना है, ठीक है, बाकी इसे करते हैं बंद, फिर इसके बाद चलते हैं हम फटाफट से सीधा इंस्टॉल करवाने अपनी गाड़ी की। रानी नीचे खड़ी है, ठीक है, लो जी भाई यहाँ पहुंच गए थे दिलशाद गार्डन। अपना काम जिसको नहीं पता दिलशाद गार्डन में हो रहा है, ठीक है, गाड़ी ये खड़ी अपनी और काम चालू हो रहा है, डोर वोर वगैरह खुल गए हैं, वायरिंग हो रही है, बाकी तुम्हें दिखाता जाऊंगा, टेंशन मत लो भाई। देखो यहाँ हो रहा है काम सारा, और यहाँ से चेक वेक कर रहे हैं, तार वार लगा के अंदर लगा के, देख रहे हो चाबी नई वाली लगी हुई है, और भाई कर रहे हैं अपने काम। देख कितना टाइम लग जाएगा इसमें, आधा घंटा बन चलो, आधा घंटा भाई, भाई अपने एक्सपीरियंस ही है, चलो करवाते हैं। अभी वायरिंग वायरिंग हो रही है, फिर देखते हैं कैसा काम करता है। और भाई ये देख लो नया डिब्बा ये वाला है, ठीक है, मोक ऑडियो का, वो वापस तो दे दिया था, तो यही लगवाएगा अपनी वैगनार में। किट तो वो भी लग जाती लेकिन चाबी की दिक्कत हो रही थी, तो चाबी वाली लगेगी जो लगी हुई है, देख लो, ठीक है। और जो अपनी किट में सायरन मिला ना, ये वाला मिला भाई। अब इसकी आवाज देखो कैसी होती है भाई, बंद करने में और चालू करने में, मतलब अनलॉक अनलॉक में काम करेगी। अच्छा, और जैसे मतलब कुछ दिक्कत हो जाती है? दिक्कत कुछ नहीं आती, बैक गियर में ही बजेगा प्लस। अच्छा, बैक गियर में? नहीं, बैक गियर में कनेक्ट मत करना, बैक गियर में नहीं करना। हाँ भाई, गेट का तो काम हो लिया भाई, गेट लगा रहे हैं और अभी करंट वरेंट चेक कर रहे हैं चाबी से, अभी वहाँ टायरिंग वायरिंग वगैरह फिक्स हो रही है। और जो अपना वो थे ना, वो सायरन वगैरह था भाई, सायरन कहाँ फिट करा है? मेरा भाई से कहाँ फिट करोगे सर? करेंगे, मतलब यही साइड में। अच्छा, तो ये सायरन साइड में होगा, अभी वायरिंग वायरिंग हो रही है, जब कम्प्लीट हो जाएगा काम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई ऐसी आवाज कर रहा है, सॉरी कैसी आवाज है, साथ में इंडिकेटर भी चल रहे थे भाई, ये तो सही है। और हाँ भाई, जो मैंने तुम्हें बोल रहा था ना कि रूट्स में अपने कनेक्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कि इसमें रिले विले लगानी पड़ेगी, उसमें खर्चा ला लगाएगा, और ये कह रहे हैं कि जो इसको वो नहीं थे ना, क्या कहते हैं वो, फूक जाती यूनिट, हाँ यूनिट वो फूक जाती भाई इसकी, वो इतनी हैवी है नहीं, वो रूट्स अपने कुछ ज्यादा हैवी है ना, तो वो सामान नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, रूट से कोई दिक्कत नहीं है, इससे हो जाएगा। और भाई कह रहे थे कि जो बैक गियर लगाते ना, तो उसमें भी आ जाते टू 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 करके, वो हमें लगता हमें करवाना नहीं है, ठीक है, तो भाई इसी में करवाते हैं। लो जी, तो चीतोस भाई सारा काम हो लिया है अपना सेंटर लॉकिंग का, और भाई मजा आ रहा है एकदम से, ऐसा लग रहा है कि लग्जरी गाड़ी में बैठा हूँ मैं सेंटर लॉकिंग के बाद। तो भाई अभी घर पहुंचते हैं, फिर मैं तुम्हें तसल्ली से दिखाता हूँ रात में सेंटर लॉकिंग क्या क्या फीचर है, बहुत सारे फीचर है इसके, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, तुम पागल हो जाओगे, इतने से पैसे लगाने में तुम्हें इतने फीचर मिल रहे हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और पहले अभी घर चलते हैं, और रात को दिखाता हूँ मैं तसल्ली से, तुम्हारे लिए तो 2 मिनट में रात हो जाएगी, हमारे लेंगे 6-7 घंटे, कोई बात नहीं, अभी तो मैं घर जाके दिखाता हूँ, ठीक है, सारी चीजें। हाँ जी, तो चीतोस भाई सारा काम करवा के आ गए थे, रात थोड़ी सी हो गई है, शाम को मैंने प्लान कर रखा था कि तुम्हें इसी टाइम को दिखाना है, ठीक है, रानी अपनी ये खड़ी, अब मैं तुम्हें फीचर दिखाता हूँ सारे क्या क्या चीज है। मैंने अभी मैनुअल पढ़ी नहीं है, अभी 2 फीचर ही जानता हूँ मैं, जिससे मैंने लगवाया ना सेंटर लॉक, तो वो बता रहा था कि इसमें बहुत सारे फीचर है, पढ़ लेना मैनुअल, मैनुअल बाद में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें 2-3 फीचर जानता हूँ जो बता सकता हूँ मैं, ठीक है, अभी बताता हूँ उनको। भाई पहली बात तो अपनी गाड़ी की चाबी, ये तो पहले वाली है, देख रहे हो मैनुअल जो है ये वाली है ना, और ये जो नई मिली है ये तो नई वाली है, ठीक है, और ये भी नई वाली है, ये देखो इसके साथ ये दूसरी चाबी हमने कनेक्ट करवा ली थी इससे ही गाड़ी से, और ये अपनी मैनुअल की है पुरानी। चलो अब तुम्हें भाई दिखाते हैं अपने फीचर कैसे हैं, इस चाबी कैसे करते हैं, ठीक है, ये लॉक करूं, अभी तो शायद खुली हुई होगी, ले भाई सिस्टम है ऐसा फील आ रही है, लग्जरी वाली फील, जो वैगनार पुरानी सी गाड़ी कोई जो ले रहा होता है ना, जो जिसके पास कुछ अच्छा सा मतलब लग्जरी सी वो हो जाती है, तो वैसी फील सी आ रही है। तो बंद करूं मैं इसको, ये बंद हो गई, बंद, ठीक है, खोलूं, इसका 7 सायरन लगाया तुम्हें पता ही हो, तभी आवाज कर रही है, ये बंद, ठीक है। अब भाई दूसरी चाबी मैं तुम्हें दिखाऊं, ये दूसरी चाबी है, इसमें आवाज नहीं करती भाई, इस चाबी का फीचर देखो तुम, इससे ना आवाज नहीं आएगी खोलने पे, ठीक है, मैं म्यूट वाला बटन दबा दूंगा ना, दबा दिया, अब मैं ओपन करता हूँ, ये नहीं आई ना आवाज, देखो गाड़ी ओपन हो गई है,
ये देखो गाड़ी ओपन हो गई है, बस ओपन वाले में नहीं आएगी आवाज, क्या कहते हैं लॉक में आएगी। ये देखो लॉक में आ रही है ना भाई, ये है कोई नहीं। दुकानदार कह रहा था कि भाई इस गाड़ी से आवाज नहीं आएगी, अगर तुम्हें घर से छुप छुप के निकलना हो रात रात में तो इस गाड़ी की चाबी को यूज करना मैंने कहा यार हमें जरूरत ना है इस बात की, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरा फीचर दिखाता हूँ, गाड़ी को खोलते हैं, ठीक है। गाड़ी, अरे खुल जा, ऐसे कैसे खुल गई, ठीक है गाड़ी खुल गई। अब मैं तुम्हें एक फीचर और दिखाऊं इसमें। अब जो मैं तुम्हें फीचर दिखाने वाला हूँ ना, वो फीचर भाई तीनों चाबियों के साथ हो गया है, एक तो इसके साथ भी हो गया है, इसके साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि ये लग नहीं सकती। वो फीचर मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो जिस चाबी को लगाएंगे ना वो तभी काम करेगा, क्योंकि इसमें तो चाबी है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों चाबी है, ठीक है, इन दोनों को लगाऊंगा ना मैं, अगर मान लो चलो ये इसी से लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। पहले ऑन करते हैं, ये लगाते हैं, ये ठीक है ऑन हो गई। अब देखना गेट अपने आप लॉक हो जाएंगे, ये अभी खुले हुए हैं ना, ये देखना, देखो भाई है ना सिस्टम भाई, गेट अपने आप लॉक हो जाएंगे अपने आप, अगर तुम गाड़ी की चाबी ऑन करोगे। अब मैं तुम्हें इस वाली गाड़ी, इस वाली चाबी से करके दिखाऊं, इस वाली चाबी से भी करके दिखाया जाए तुम्हें। ये खोला, ये खोला, इसे बंद किया, अब इस वाली चाबी को लगाते हैं, ठीक है भाई। इस वाली चाबी को लगाते हैं, अब ये लगा दिया, ठीक है। अब देखना अपने आप लॉक होगी गाड़ी, ये हो जा हो जा हो जा हो जा भाई, हाँ ठीक है ना, मुझे बेइज्जती कराने वाली है। तो चारों गेट हमारे लॉक हो गए, तो भाई एक फीचर ये हो गया, और अपना क्या कहते हैं इसकी, इसमें आवाज करने की भी है, आवाज करके दिखाऊं मैं, कहाँ है आवाज करने का, ये रहा, ये देखो बाहर से आवाज करने लग गई। अब बंद करने के लिए यही दबा दो बाहर से, ये मुझे बहुत गंदी वो लगती है, वो तार कटवाया मैंने जो बैक गियर में बजती है ना गाड़ी, टू 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 टू, वो बहुत बेकार लगती है मुझे, वो मैंने तार हटवा दिया, मुझे बहुत दिमाग खराब लगता है। अब मैं तुम्हें इसकी मैनुअल या फिर वो क्या करते हैं वारंटी कार्ड वगैरह वो दिखाता हूँ भाई। अपना ये मिला है वारंटी कार्ड, मैं तुम्हें दिखाऊं मॉक ऑडियो का, ठीक है। अपना डिब्बा मैंने चेंज कर लिया, तुम्हें पता ही है ये मॉक ऑडियो का है, इसको भरो और वारंटी कार्ड अपना आप सारा काम कर देगा। तो फीचर ना इसके और भी होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखूं। एक तो इसकी मैनुअल पढ़ूंगा मैं, नेट पे देखूंगा मॉक ऑडियो की मैनुअल, नेट पे देखूंगा मॉक ऑडियो की सेंटर लॉक की मैनुअल। वो ना मैंने जल्दी जल्दी में सुबह ही फेंक दिया, मतलब मैं लगवा रहा था ना, मतलब वो हो रही थी, मतलब मुझे क्या कहते हैं उसे कि कब लेगा कब लेगा, मैंने डिब्बा ही फेंक दिया पूरा उसमें खुशी में कि भाई वो लग रहा है सेंटर लॉकिंग, तो मैंने वो डिब्बा ही फेंक दिया और उसके साथ मैनुअल भी चली गई। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके वो पढ़ लूंगा, अगर तुम्हें अगर पता चले मुझे तो मैं बता दूंगा तुम्हें अगले व्लॉग में। और बाकी अगला व्लॉग स्पेशल होने वाला है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत तगड़ा होने वाला है। चलो बाकी इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मजा आ रहा है चीजें। और हाँ एक और चीज, हाँ तो एक भाई एक दो भाई बोल रहे थे कि कार रियर वाइपर लगाओ उससे गाड़ी टॉप मॉडल लगेगी, तो वो भी करवा लेंगे, टेंशन मत लो। उसे मुझे पता नहीं है कि क्या करवाना पड़ेगा, वाइपर कैसे काम करेगा, पीछे लगवाए कैसे, या फिर किस में छेद होगा किस में नहीं, समझ नहीं आ रहा। जैसे इसके नहीं, इसके नहीं लगा हुआ, देखूंगा मैं, पता नहीं कहाँ लगेगा वो, कहाँ नहीं, ये शीशे में ही छेद होता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। मैं पहले नेट पे सर्च करता हूँ फिर लगाता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसी मॉडिफिकेशंस के लिए फॉलो करो तुम्हारा भाई को, और व्लॉगिंग चलती रहेगी, ठीक है, मजे दिलाता रहूंगा तुम्हें। सब्सक्राइब करो अपने भाई के चैनल को और मौज लो। अरे हाँ भाई तुम्हें एक और फीचर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, अब तुम खुद ही समझ जाओगे क्या फीचर है वो, ठीक है। गाड़ी को लगाते हैं, चाबी को लगाते हैं गाड़ी में, ये ठीक है, ये लगाया, ठीक है। अब देखना ये तो चीज तो हमें पता ही है कि ये अपने आप बंद हो जाएंगे, देखना हो गया बंद, ठीक है हो गया बंद, ये तो चीज तो हमें पता चल गई। अब मैं गाड़ी को चाबी को निकालूं, मैं जैसी चाबी को निकालूंगा ना गेट अपने आप ओपन हो जाएंगे, देखो देखो हो गए ना, ये होता है सिस्टम अब भाई ऐसे फीचर मुझे पता भी नहीं है, दो तीन फीचर और होंगे ऐसे, तो मैनुअल पढ़नी पड़ेगी मुझे। सबको हनुमान जी के साथ अलविदा करते हैं, जय बजरंगबली भाई सभी को, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय। और हाँ और चीजें क्या करवानी है कमेंट में लिख देना, ठीक है, जो जो चीजें करवानी है।